I guess now you can see my screen, right? Yes, miss. Okay, fine. So this question number one, ये हमने class में किया ही था, same type का है. Audible नहीं है क्या? मिस अब आ रहा है. Like, okay. Just 2 minutes wait कर लिया करो जब भी ऐसा कुछ हो, because connection issues होते हैं. Okay, miss. Okay. ए बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. अगर होमवर्क जिसने नहीं भी किया है, टेक योर 2 मिनट्स एंड देन टेल मी. या विच क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट. Everyone agree? See, हमें क्या ढूंढना है कि sec positive कहाँ है and cosec negative किधर है, ये ढूंढना है ना. So roughly अपना quadrant पहले draw कर लो, decide कर लो. तो first quadrant में सब कुछ positive होता है, second में sin and cosec, right? And then third में cot and tan and last cos and sec, correct? तो अभी cos क्या बोला है, sec positive बोला है, right? तो sec positive कहाँ पे आएगा, ये दो quadrant में. cosec negative किधर आएगा, yeah tell me quadrant. fourth and And अरे ये दोनों में से किसमें नेगेटिव आएगा, थर्ड. थर्ड. अब दोनों में कॉमन क्या है, सी मैंने दो अलग अलग ये लिए मार्क्स, साइन लिए हैं. दिस टिक इज फॉर सेक वेर सेक इज पॉजिटिव एंड स्टार इज फॉर कोसेक वेर कोसेक इज नेगेटिव. अब दोनों कॉमन किधर आ रहा है, फोर्थ ना. So, therefore, see, ये question last time हमने किया था कि हमें कैसे करना है. सबसे पहले तो चेक करना है कि जो गिवन कंडीशन है वो कहाँ सेटिस्फाई हो रही है. सो फर्स्ट वन क्या दिया है, sec theta greater than zero. Figure it out कि चारों में से sec theta कहाँ पे greater than zero आएगा, that means positive किधर आएगा. So first and fourth में sec positive है, right? So I'm using this tick sign, okay? Now, cosec less than zero, मतलब अब चेक करना है कि cosec negative किधर किधर आता है. So third and fourth. अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट नो. समझ गए क्या? ओके. सिमिलरली क्विकली मेरे को बी बताओगे क्या आएगा आंसर. cos theta negative, cot theta negative. करेक्ट. समझा सबको. सी सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसा है जिधर कॉट भी नेगेटिव होता है एंड कॉस भी नेगेटिव होता है, बराबर. अगर तुमने थर्ड लिया तो थर्ड में कॉट पॉजिटिव हो जाएगा एंड फोर्थ लिया तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों नहीं आएंगे. सो क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके. नाउ जिसने होमवर्क किया है वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया है आई वॉन्ट कि अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो. साइन स्क्वायर 260 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 260 डिग्री प्लस टैन पाई बाय 4 रेडियन, वैल्यू फाइंड आउट करना है. डू इट. अच्छा क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, जरा शॉर्ट में बताना. यू आर नॉट ऑडिबल.
अभिषेक क्या करेंगे? एनी आइडिया? मिस जो रेडियन उस पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना। ओके सो ये वाला तो फिर उससे हो जाएगा राइट। व्हाट अबाउट दिस साइन स्क्वायर 260 एंड कॉस स्क्वायर 260? मिस उसका वैल्यू लेंगे ना। ओके सो मिस राइट मिस वो वन हो जाएगा ना। एनी अदर वे? किसने बोला? कभी-कभी जब आइडेंटिटीज दी होती हैं वो हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन दिखता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है ठीक है। हमेशा तुम्हें लॉन्ग वे से जाने की जरूरत नहीं है। सी साइन स्क्वायर 260 कॉस स्क्वायर 260 वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बराबर। तो ये वैल्यू तो वन हो गई, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज पाई बाय फोर रेडियन? डिग्री में क्या आएगा? 45। सो अब क्या करना है? इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे मिलेगा 1 प्लस tan 45 डिग्री। मैम आवाज नहीं आ रहा है। ए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब देखिए इसे आप देखना चेक करना तो जरा। सो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 45। जस्ट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan 45 एंड लेट द आंसर। करेक्ट। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अभी थर्ड वन भी सॉल्व करो देन आगे बताती हूँ क्या करना है ठीक है। इसका आंसर 1 प्लस tan 45 आएगा। यस 45। सो tan क्या 1 होता है ना। तो फाइनल आंसर 2 बराबर। यस मिस। इसका आंसर 1 मैच करना चाहिए थर्ड वन। कॉट 45 का वैल्यू क्या है? 1 60। रेसिप्रो कर लो कॉस 60 का 2/√3। नहीं नहीं सी कॉट 45 वन 660 इज 1 अपॉन कॉस 60 नो।
60 है फिर this one by therefore answer is sin 30 1 by 2 अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फाइनली चेक करो आंसर 1/4 मिल रहा है या नहीं Done. Yes. Okay. Now come back to here. Textbook there. So हमने कहाँ तक question number 8 तक हो गया था ना? सी एट्थ का ओके सी जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 आप कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर ये करेंगे फर्स्ट वन आपका स्क्रीन में दिख रहा है टेक्स्ट बुक है सबके पास यस मिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट वन मिस फर्स्ट वन ये फर्स्ट वन So first we similar to question number somewhat similar to question number 7th में भी देखो cos theta दिया and हमने वहां से sin theta tan theta ये दो value calculate किया था right similarly इधर भी cos theta दिया है but quadrant अलग है Theta is between 180 degree to 270 degree. That means quadrant कौन सा आएगा? Yes, quadrant है. Third. Hello. Third. कि सारे angle calculate करने time भी तुम्हें ध्यान रखने का third quadrant तो रेशियोस कैसे आने चाहिए ठीक है सो स्टार्ट सॉल्विंग कॉस थीटा दिया फाइंड आउट साइन थीटा कॉस से साइन मिल जाएगा यूज दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन थीटा मेरे को अपना स्क्रीन नहीं दिख रहा है वॉइस नहीं आ रहा है मैम
ये जब स्क्रीन के बताना मिस ग्रीन स्क्रीन आ रही है पूरी ग्रीन आ रहा है सब अब दिख रहा है दिख रहा है ना एक मिनट लेट मी कनेक्ट यस मिस यस स्टार्ट तब तक नाइन्थ का फर्स्ट वन ट्राई करना मतलब स्टार्ट करो सॉल्व करना सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सेवन यूज दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन साइन थीटा माइनस 40 आ रहा है क्या मिला आंसर माइनस 4 अपॉन 5 sin theta once you get sin theta find out other values because hame sare value find out karne na find the other trigonometric functions cosec ulta ho jayega ha correct so once you get sin theta find out cosec theta then ab sin aur cos dono hai then find out tan theta aise karke sare values nikal lo फोर अपॉन थ्री टेन ओके माइनस फोर अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव आ रहा है सबको सॉल्व करने एनी डाउट इन कैलकुलेशन इसे एक बार बताओ ना ओके चलो स्टार्ट करते हैं दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा है नोटपैड यस सी क्वेश्चन क्या दिया है कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या दिया है माइनस 3/5 राइट एंड थीटा बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री दैट मींस इधर से हमको पता चला कि थीटा कहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में राइट अभी इसको साइड में रखो पे है हम लोग अभी पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा equal to 1 and therefore sin square theta will be 1 minus cos square theta barabar abhi jo value hai tumhare paas wo substitute karo so 1 minus minus 3/5 whole square theek hai now this will be equal to square karoge to positive ho jayega 9/25 cross multiply karo so 25 minus 9 divided by 25 equal to 16/25 barabar So, ये मिला है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अभी अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे या टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब तुम स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो साइन इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिलेगा प्लस माइनस 4/5 राइट अभी हमको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा सो वो डिसाइड करने के लिए ये ऊपर का डेटा यूज होगा 180 लेस देन थीटा लेस देन 270 मिस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है बराबर यस सो देयरफॉर
इधर से वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू -4/5, ठीक है। वंस यू गेट साइन थीटा, अभी मैं इधर ही फाइंड आउट कर रही हूँ, टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, सो -4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, 5/5 कैंसल हो जाएगा, 4/3, देन कॉट थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या, टेन थीटा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, कॉट मिल गया, अभी क्या बचा सिर्फ कोसेक कॉस एंड सेक, है ना, सो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये -5/4, माइनस एज इट इज रहेगा, देन सेक क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा, सो -5/3, दैट्स इट, इज इट क्लियर, यस। सेम टाइप के प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9th में ही देखो टेक्स्ट बुक में, और तीन सब क्वेश्चन दिए हैं हमें, राइट, एक में दिया है सेक का वैल्यू, देन कॉट एंड टैन, ठीक है, सो हमें बस ना यही आइडेंटिटीज ही यूज करनी है। अभी sec के लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, sec square a equal to 1 plus tan square a, बराबर, so using this identity tan का वैल्यू मिल जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना हमें सेकेंड क्वाड्रेंट ऑलरेडी दिया है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये पता करना कि tan पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होगा। ए फर्स्ट वाला मैंने अभी अभी बताया अभिषेक, नहीं मिस दिखा, नहीं मैं था, मिस दिखाओ, मैं बोला एक बार थोड़ा देख लो, ओके ओके ओके, सो सिमिलर तरीके से बाकी तीनों भी सॉल्व करना है, कर लोगे अगर आपको होमवर्क दिया, यस मिस, उसको पूरा करने के बाद उसको बताना एक तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको सी जब यहाँ तक आते हो ना, इधर तक किया मैंने आइडेंटिटी यूज करके, राइट, सॉल्व किया, साइन का वैल्यू निकाला, जब स्क्वायर रूट लोगे तो दो वैल्यू मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब दोनों में से कौन सा वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे, उसलिए हम क्वाड्रेंट का यूज करते हैं, ठीक है, मिस मतलब बाकी का भी निकाला, टैन कॉट कोसेक सेक, आ गया ना, once you know the value of cos and sin, cos theta तो already दिया था, -3/5, and sin theta हमने calculate किया, -4/5, तुम्हें sin और cos पता चल गया, तो बाकी सारे ratio निकालना easy है ना, समझा, so find out any two ratio, फिर बाकी easy हो जाएगा, सेम वैसे ही सी क्वेश्चन नंबर 2 में अभी sec का वैल्यू दिया है, बराबर, sec मैं स्टार्टिंग बताती हूँ कैसे करना है, sec a इक्वल टू -25/7, बराबर, ये दिया है ना, एंड a इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अब थीटा के जगह पे बस a दिया है, सो a को एंगल कंसिडर करो, ओके, सो अभी हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 plus tan square a, बराबर, बट हमें sec का नहीं, हमें tan का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो tan क्या करना है, 1 को इधर लेके आओ, सो देयरफॉर tan square a विल बी sec square a -1, ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो -25/7² -1 इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, right? -49/49. अब देखो यहां से जो वैल्यू मिलेगा उसका तुम लोग स्क्वायर रूट लोगे ना, yes. है ना, तो स्क्वायर रूट जब लोगे तो दो वैल्यू मिलेगा, अब दोनों में से पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव वो कैसे डिसाइड करोगे, जो क्वाड्रेंट दिया है, इन सेकंड क्वाड्रेंट टैन हमेशा नेगेटिव आएगा, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है, नेगेटिव वैल्यू, अब तुम्हारे पास sec और tan है, इसे निकाल लोगे बाकी रेशियो, sec से तुम्हें cos मिल जाएगा, है ना, देन इसके बाद वंस तुम्हें cos मिल गया, tan से cot मिल जाएगा, बराबर,
और इधर इसे तुम्हें साइन भी मिल जाएगा. कैसे? बिकॉज टैन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए. बराबर. अभी कॉस तो तुमने निकाल लिया है, टैन भी निकाल लिया है. बराबर. सो फाइंड आउट साइन ए. समझ रहा है ना क्या करना है? और यू वॉन्ट मी टू सॉल्व? माइनस साइन कैसा है? अरे रे अभिषेक, एक मिनट. या बाकी सब लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर थ्री सेकेंडली सॉल्व करी लो पूरा, तब तक मैं इसको बताती हूँ. या अभिषेक, हेलो. हाँ मिस. हाँ मेरे को ये बता, अगर मैंने बोला साइन थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या आएगा साइन थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा साइन? नेगेटिव. अरे मिस, किधर से मिस? फोर्थ लिखा है ना मैंने इधर. हाँ मिस. हाँ मिस, नेगेटिव. ओके, टैन इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? हेलो. यस मिस. मिस टैन पॉजिटिव आएगा. एम आई ऑडिबल? मिस टैन पॉजिटिव आएगा, राइट? ओके. नाउ अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ. सी, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस टू बाई थ्री, ऐसा मैंने दिया है, ठीक है? नाउ अभी द गिवन कंडीशन इज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा? क्या मिस? कॉस थीटा इज प्लस माइनस टू बाई थ्री, यू हैव टू चॉइस, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, दोनों में से एक ही लेना है. वन मोर कंडीशन दे रही हूँ, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कौन सा कंसीडर करेगा वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव? मिस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव आ जाता ना. हाँ, तो अब कौन सा वैल्यू इधर लेगा अगर फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो? मिस पॉजिटिव होगा. एग्जैक्टली. सो नाउ यू गॉट इट कि टैन यहाँ पे क्यों नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग. Because A हमें second quadrant दिया है, इन second quadrant tan negative होता है, समझा? हाँ मिस, second quadrant में तो sin और cos होता है ना, positive. Yes, absolutely. कर लोगे आप? सो ये सॉल्व करना, ट्राई करना. अगर कैलकुलेशन में कहीं भी डाउट आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. फाइन, इज इट फाइन? सबके लिए चलेगा? आई सॉल्व फर्स्ट वन एंड ये तीनों तुम्हें सॉल्व करना है. यस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं. सो यू गाइस नो फंडामेंटल आइडेंटिटीज का क्या है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. बराबर. ये तीनों हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं. व्हाई फंडामेंटल? इनका यूज करके हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं आइडेंटिटीज, वो हम प्रूफ करने वाले आगे जाके, ठीक है? बहुत से छोटे फॉर्मूला बनेंगे यूजिंग दीज आइडेंटिटीज. सो दीज थ्री आर फंडामेंटल आइडेंटिटीज. ओके. नाउ अभी नेक्स्ट आता है डोमेन एंड रेंज. सी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. डोमेन एंड रेंज ऑफ
trigonometric ratios. So before I start this, trigonometric function में जाने से पहले मैं तुम्हें normal function का domain और range बताती हूँ, ठीक है? So that it will be very clear कि domain और range actually होता क्या, okay? So you remember मैंने short में function बताया था तुम लोग को, याद है? Hello. Yes. I keep responding यार, क्या कर रहे हो? See, remember function हमने पढ़ा था? Yes. Okay. मैं वापस से एक बार revise करती हूँ. See, set function में तुम लोग function detail में पढ़ने वाले हो. Okay. मैं सिर्फ short में तुमको अभी बताती हूँ कि function क्या होता है, domain क्या होता है और range क्या होता है. तभी तुम्हें trigonometry value का domain और range समझ में, ठीक है? So suppose कोई मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 2x, ओके? अभी जब जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू करते जाएंगे, राइट हैंड साइड में भी हम x का वैल्यू सेम वही वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर f ऑफ 1 पूछा तो वैल्यू क्या आएगा, राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर. अगर f ऑफ 2 पूछा है सो f ऑफ 2 विल बी, ये क्या हो जाएगा, 4 बराबर. समझा सबको फंक्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? मिस इनटू कर लाना, x का वैल्यू बस रिप्लेस करते जाना है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू x का रिप्लेस करना है. फॉर एग्जांपल सी दिस वन, f ऑफ राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 पुट किया, राइट? इधर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, दैट मींस राइट हैंड साइड में भी जो x होगा उसको रिप्लेस कर दो 1. नाउ दिस वैल्यू इज 2 इनटू 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2. समझ गए? अगर मुझे f ऑफ 10 फाइंड आउट करना है क्या आएगा आंसर, 20, राइट? समझा? ओके, नाउ एक और फंक्शन देती हूँ मैं. इसी दिस एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 1/x, ओके? अभी मुझे बताओ f ऑफ 1 क्या आएगा? वन ही आएगा. ओ, वन ही आएगा बराबर, बिकॉज 1/1 इक्वल टू 1. f ऑफ 2 क्या आएगा? 1/2 बराबर. f ऑफ 0 क्या आएगा? 0 अनडिफाइंड, एंड या नॉट डिफाइंड. लास्ट टाइम बताया था ना, a बाय 0 नॉट डिफाइंड, 0 बाय a 0, ओके? सो अभी देखो ये दोनों फंक्शन एनालाइज करो. मैंने लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन लिखा है 2x, उसका तुमने 3 वैल्यू फाइंड आउट किया, f ऑफ 1, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 10, तीनों डिफाइंड हो रहा था बराबर, तीनों का आंसर आया. बट राइट हैंड साइड में जो वैल्यू निकाला है f ऑफ 0 नॉट डिफाइंड आ रहा है बराबर. इधर तक समझा? तो अब देखो डोमेन क्या होता है कि ऐसे वैल्यूज जो तुम x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और l डिफाइंड मिले तुम्हें. आई रिपीट, ऐसे वैल्यू x के जो तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और तुम्हें वेल डिफाइंड आंसर मिले. फॉर एग्जांपल अभी ये जो फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x, तुम यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रख लो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लो, तुम्हें वेल डिफाइंड आंसर मिलेगा बराबर. यस और नो? ओके. बट राइट हैंड साइड में जो फंक्शन था है x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सब पे तुम्हें आंसर मिले बराबर, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0,
बाकी तुम कोई भी वैल्यू पुट करो फंक्शन का मिलेगा। मिस आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ओके वेट करते हैं 2 मिनट। हेलो हेलो डिफरेंस समझा तुमको? यस हेलो एम आई ऑडिबल? लेट मी रिपीट। सी थोड़ा और क्लीन लिख लेते हैं एक मिनट। तक समझा ना हमने क्या किया एटलीस्ट? सो सी डोमेन क्या होता है? ऐसे x के वैल्यू लेने हैं जहां पे फंक्शन वेल डिफाइंड मिले, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए या फिर नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो राइट हैंड साइड में फंक्शन लिया है f of x equal to 1 by x, x equal to 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो दैट मीन्स x तुम्हें 0 नहीं लेना है एक्सेप्ट x equal to 0, बाकी कोई भी रियल नंबर लो फंक्शन तुम्हारा वेल डिफाइंड है, बराबर। सो वो हो जाएगा तुम्हारा डोमेन। सबको समझा डोमेन क्या होता है? ठीक है एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर ये एग्जांपल दू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x, क्या आएगा डोमेन? अगर सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा तो बोलोगे रियल नंबर। ओके सो क्या इसका डोमेन रियल नंबर आएगा? यस बराबर। ओके सपोज दिस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा, तभी तुम लोग डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो। कौन सा ऐसा वैल्यू है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा? जीरो। नो नो नॉट जीरो। एक्स इक्वल टू 0 पे तो ये वैल्यू ऐसा आएगा ना 1 अपॉन 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। आर आई डिफाइंड? करेक्ट। एक्स इक्वल टू 1 पे ये नॉट डिफाइंड आएगा। सी वैल्यू नॉट डिफाइंड कब आएगा? जब मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझा कैसे फाइंड आउट करना है? सो देयरफॉर अब डोमेन क्या आएगा? एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1 बाकी सब वैल्यू। तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? r स्लैश, इसको बोलते हैं -1। ओके ये स्लैश का मीनिंग होता है कि तुम लोग 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे। यस हां एक बार तो फिर से बताओ ना, ये समझ में नहीं आया। ओके लेट मी, तभी मैं बोलती हूँ जब मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इन बिटवीन ना, सारे स्टेप्स तुम्हें समझ आ रहे हैं क्या? तुम लोग एंड में मुझे बोलते हो फिर।
ओके लेट मी स्टार्ट. किसको किसको समझ आ गया? एनीवन जिसको समझा है थोड़ा बहुत? यस है. ओके सो सी दो फंक्शन लेते हैं, सिंपल लेते हैं अभी. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स. ओके अभिषेक अभी मेरे को फटाफट वैल्यू बताना है. एफ ऑफ वन क्या आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड के लिए? वो नहीं आएगा. एफ ऑफ जीरो पॉइंट क्विकली जीरो जीरो पॉइंट वन पॉइंट वन. एफ ऑफ टू बाई थ्री टू बाई थ्री बराबर. अभिषेक इधर तक ठीक है? यस. एफ ऑफ रूट फाइव क्या आएगा? रूट फाइव. रूट फाइव. एफ ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड. ए क्यों नॉट डिफाइंड आएगा रे? जीरो ना? आपने तो बोला नॉट डिफाइंड आएगा जीरो का. ए एक मिनट एक मिनट. सी अभिषेक नॉट डिफाइंड का आएगा? वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड. हाँ हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इधर बस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना. फंक्शन पे डिपेंड करता है नॉट डिफाइंड कहाँ पे आएगा. ठीक है अब राइट हैंड साइड में देख, तू जो नॉट डिफाइंड बोल रहा है ना इधर फाइंड आउट कर. एफ ऑफ जीरो क्या आएगा इधर? वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड. वन अपॉन जीरो. सो वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड. समझा? अच्छा मुझे लगा कि जीरो नॉट डिफाइंड है. नो नो नो. एफ ऑफ वन बाय फाइव क्या आएगा इस केस में? वन बाय फाइव नहीं नहीं इस वन बाय फाइव बराबर वन अपॉन वन बाय फाइव. आई टोल्ड यू ना एक्स को रिप्लेस करना है. लेफ्ट हैंड साइड में जो रिप्लेस करोगे राइट हैंड साइड में भी वही रिप्लेस करना है. इस वन वन कैंसिल हो जाएगा ना फाइव बचेगा. नहीं नहीं वन वन नहीं कैंसिल होता. सी a by b divided by p by q equal to a by b into q by p. बराबर समझ ले. तो ये क्या आएगा? This is equal to 1 into 5 by 1. So this will be like this. Okay? Now, अब देखो, once you find out these values, अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने फंक्शन लिखा है यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एक्स का, क्या वैल्यू मिलेगा, आंसर मिलेगा? क्या मिस? आई एम आस्किंग एक्स कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो क्या आंसर मिलेगा? यस बराबर. एनी वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो माइनस नेगेटिव में पॉजिटिव में रैशनल इरेशनल फंक्शन तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा. राइट वेल डिफाइंड वैल्यू बराबर. उसी को बोलते हैं डोमेन. जहां जहां पे भी तुम्हारा फंक्शन वेल डिफाइंड होता है वो तुम्हारा डोमेन होता है. सो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा? फुल आर. कोई भी रियल नंबर ले लो फंक्शन वर्क करेगा. बराबर अभिषेक समझ आया क्या होता है डोमेन? हाँ मिस मतलब कोई भी नंबर लिया जाएगा तो वो वेल डिफाइंड आना चाहिए. किसी का भी आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए. अब यहाँ पे डोमेन सी क्या क्या आएगा? तो जीरो पे तुम्हारा वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड हो रहा है. बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो फंक्शन तुम्हें एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड वैल्यू देगा. बराबर एक्सेप्ट जीरो बाकी सब पे वर्क करेगा. बराबर सो देयरफॉर डोमेन क्या आ गया? जीरो को छोड़ के बाकी सब वैल्यू. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? r माइनस जीरो. ये जो स्लैश है ये माइनस साइन डिनोट करता है. सो r स्लैश जीरो मतलब जीरो को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बाकी सब कुछ वर्क करेगा एज अ डोमेन. इज इट क्लियर? ए अभी भी डाउट है क्या किसी को? मतलब कि r जीरो नहीं रहेगा उसमें जीरो को छोड़ के. अभिषेक जीरो पे वैल्यू क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड. नॉट
नॉट डिफाइंड. सो जिसपे भी नॉट डिफाइंड आएगा उसको एक्सक्लूड करना है. अभी मैंने एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें दो वैल्यू मिल सकते हैं जहां पे नॉट डिफाइंड है. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू. अब बताओ, पहले मुझे ये बताओ फंक्शन नॉट डिफाइंड कहाँ होगा? एक्स अगर वन हो जाए. बराबर, एक्स अगर वन हो गया तो डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो जाएगा. बराबर, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन अपॉन जीरो हो रहा है. और एक वैल्यू आएगा टू. करेक्ट. सो जब भी एफ ऑफ टू लोगे तब भी तुम्हें वन बाय जीरो मिलेगा. वाई सी एफ ऑफ वन का मतलब क्या है? वन अपॉन वन माइनस वन वन माइनस टू. तो ये तो जीरो हो रहा है. जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर तो जीरो ही आएगा. सेम टू पे आप देखो, जब एक्स इक्वल टू टू लोगे तो टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, तो ये वैल्यू तो जीरो हो रहा है, मीन्स वन बाय जीरो. समझा? सो अब तुम्हारा डोमेन क्या आएगा? बाकी सब वैल्यू पे वर्क करेगा. सो देयर फोर डोमेन आ जाएगा आर माइनस, ऐसे लिखो, टू कॉमा थ्री. समझा? यस. एटलीस्ट रफली मीनिंग समझ गया क्या डोमेन क्या होता है? यस. है ना? बाकी फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं वो तुम लोग चैप्टर में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट. मेरे को बस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के डोमेन और रेंज बताना है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग ऑल दिस. ठीक है, अभी एक बार रेंज भी देख लेते हैं. ठीक है, सो विल गो बैक टू दिस एग्जाम्पल अगेन. ओके, नाउ ओके, अभी एग्जाम्पल देखो. सेम एग्जाम्पल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के फंक्शन. पहले हम ये चेक कर रहे थे डोमेन में कि हम एक्स का क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आ रहा था हमारा डोमेन. अब क्या करना है? आंसर वेरीफाई करना है. अब मुझे बताओ कि राइट हैंड साइड में क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? यस, एनीवन? रियल नंबर. रियल नंबर, एग्जैक्टली. तो सी, फंक्शन दिया है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. सो जब जब तुम एक्स का वैल्यू रिप्लेस करते जाओगे राइट हैंड साइड में भी एक्स रिप्लेस होता जाएगा. बराबर. सो दैट मींस राइट हैंड साइड तुम्हारा कोई भी रियल नंबर आ सकता है. बराबर. सो रेंज क्या होता है? जो तुम्हें आंसर सेट मिलता है वो तुम्हारा रेंज होता है. समझ गए? इज इट क्लियर? गाइस, अभी ना एक और एग्जांपल बताती हूँ. सी, इसमें तो रेंज मिल रहा है पूरा आर, कि हमें आंसर कुछ भी मिल सकता है रियल नंबर में से. नाउ टेक दिस एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन रेस टू एक्स. फंक्शन क्लियर है सबको क्या लिखा है मैंने? पावर में एक्स है. ठीक है, सो अभी मुझे एक एक करके पहले वैल्यू बताओ. एफ ऑफ वन क्या आएगा? माइनस वन रेस टू वन. माइनस वन ऑड पावर क्या होता है? पता है किसी को? हेलो, क्या मिस? एम आई ऑडिबल? Yes. If you don't know things, then directly tell me कि नहीं पता, है ना? तो मैं आगे बढ़ू ना. So minus one raised to odd power, पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता. Okay. See कैसे calculate करते हैं. Minus one raised to one मतलब कि, अभी मेरे को बताओ two raised to two मतलब क्या? कि two को two बार multiply करना है. Yes. टू रेस टू थ्री मतलब क्या? कि टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. हाँ, सिमिलरली माइनस वन रेस टू वन मीन्स क्या? कि एक ही बार है माइनस वन, राइट? सो वैल्यू आ गया माइनस वन. अब ऑड पावर आएगा. सी,
एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा, इवन पावर माइनस वन रेस टू टू. दिस इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनस वन इंटू माइनस वन. और सबको पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आता है, प्लस. प्लस. सो अब से हमेशा याद रखो कि नेगेटिव पावर का, नेगेटिव का अगर ऑड पावर लोगे तो साइन माइनस ही रहेगा, माइनस वन का अगर वन पावर लोगे तो प्लस वन हो जाएगा. रहेगा याद सब. नाउ अब मैं क्विकली बताते जाओ, एफ ऑफ थ्री क्या आएगा, माइनस वन. माइनस वन. एफ ऑफ फोर क्या आएगा, इवन पावर. यस वन. वन. अब आंसर एनालाइज करके बताओ कि तुम्हें आंसर में क्या मिल रहा है. तुम जैसे जैसे एक्स का वैल्यू रिप्लेस करते जा रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या है आंसर्स का, वन एंड माइनस वन, दैट्स इट. तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी इधर रिप्लेस करते जाओ, फाइव सिक्स सेवन एट, तुम्हें आंसर में क्या मिलेगा हर बार, या तो प्लस वन मिलेगा या तो माइनस वन मिलेगा. तो जो आंसर सेट होता है वो तुम्हारा रेंज होता है. तो अभी रेंज क्या आ जाएगा, माइनस वन एंड वन. समझा? यस. वो थोड़ा थोड़ा समझ गया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, लिटिल बिट. अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री समझा ना, अब अगर ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्टली बता दूं तो समझ जाओगे ना. यस. गुड गुड. सो कम बैक टू दिस. डोंट वरी, ये जो डोमेन और रेंज है ये तुम लोग पढ़ोगे सेट चैप्टर में प्रॉपरली. सारे फंक्शंस के कैसे निकालने हैं वो सब पढ़ोगे तुम लोग. बस ट्रिग्नोमेट्री का ना तुमको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है डोमेन और रेंज, बिकॉज ये एमसीक्यू में काम आता है. ठीक है. सो नाउ इट्स 7:15 ऑलरेडी, सो मैं ये नहीं स्टार्ट कर रही. नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग क्या करेंगे, सी डोमेन और रेंज कर लेंगे एंड देन दिस पीरियोडिसिटी पार्ट इज ओमिटेड. ओके 2.2 ये ओमिटेड पोर्शन है. सो ये नहीं करे एंड डायरेक्टली फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो अच्छा, तुमने टेंथ में नॉर्मल प्रूफ्स तो किए होंगे ना?